नमस्कार दोस्तों, आपका आरती बोर्ड चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या है। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है स्टरलाइजेशन का? तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन विच किल डिस्ट्रॉय ऑल पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब पैथोजेनिक जो बीमारी कोज करते हैं या नॉन बीमारी कोज करते हैं, वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों कैटेगरी के, उनको डिस्ट्रॉय करना, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्या क्या स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, सारा कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। तो लेक्चर में बने रहिए। तो फर्स्ट अपन देखते हैं अपन फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड कौन सा है। सेकंड, इसके अंदर केमिकल मेथड जिसको कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। थर्ड, इसके अंदर गैसेस स्टरलाइजेशन। फोर्थ है इसके अंदर हॉट एरोबेन जिसके अंदर गर्म हवाएं है ना ना। फिफ्थ है ऑटोक्लेव जिसको स्टीम अंडर प्रोसेस प्रेशर बोलते हैं। और सिक्स है वो रेडिएशन। तो इन छः पॉइंट्स है ना, इन पे आज अपना लेक्चर है ना वो रहेगा। बात करते हैं फर्स्ट अपॉन फिजिकल स्टरलाइजेशन की। तो फिजिकल स्टरलाइजेशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट अपॉन है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या चीज़ है? बॉइलिंग का मतलब होता है मोस्ट डोमेस्टिक घरेलू है ये मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये एक घरेलू मेथड है। इसमें अपन क्या है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर ना बॉइल करते हैं 15 से 30 मिनट के 15 से 30 मिनट पर। 100 डिग्री टेम्परेचर है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन इसको बॉइलिंग टेम्परेचर में उसको गर्म करते हैं। और 15 से 30 मिनट यानी 15 मिनट से 30 मिनट है ना, आधे घंटे तक अपन इसको बॉईल करते हैं। तो ये एक डोमेस्टिक है, घरेलू मेथड है। यूज इसमें क्या करते हैं, जो ग्लास की सिरिंज है या ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है उसको। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या है, मतलब निषेध क्या है इसमें, किस किस मतलब चीज़ को अपन इस बॉइलिंग मेथड से स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो धारदार है, धार जब दिन की तेज है, शार्प है, उन इंस्ट्रूमेंट को और निडल को अपन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लंट अगर मुड़ जाएंगे, ज़्यादा करेंगे गर्म तो मुड़ जाएंगे। जैसे इसमें ये देखो बॉइलिंग मेथड दिखा रहता है ना, किस प्रकार बॉइल करते हैं इसको, कितना टेम्परेचर रखते हैं, कितने मिनट में करते हैं, कौन सा मेथड है, सारा कुछ इस लेक्चर में दिखा रहता है, इमेज में दिखा रहता है। सेकंड बात करेंगे तो सेकंड मेथड है उसका नाम है इस फिजिकल के अंदर अल्ट्रा वायलेट, जिसको यूवी बोलते हैं। इसको लिनन्स और ब्लैंकेट चादर और इनमें अपन यूज लेते हैं, धूप में अपन सुखाते हैं, वो एक बॉइलिंग मेथड है। ठीक है, ये इमेज भी दिखा रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस स्टरलाइजेशन में। गैस स्टरलाइजेशन में अपन कौन सा यूज लेते हैं? तो पहला है इसके अंदर फर्स्ट अपन है वो है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड इन ए बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट है, वाइड रेंज है, वाइड रेंज में इसको यूज करते हैं। 70% डिस्पोजल मेडिकल डिवाइस इसमें अपन गैस स्टरलाइजेशन के अंदर इथाइलिन यूज लेते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड। सेकेंड इसके अंदर अपन बात करें तो सेकेंड इसके अंदर बात करें तो वो है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन और सल्फर जिसको 100% क्यूबिक एरिया ना, क्यूबिक जिसकी 3 की घात हो ना, स्क्वायर में 2 का होता है, तो ये अपन है इसके अंदर। तो क्यूबिक एरिया के अंदर अपन क्या करते हैं, फॉर्मेलिन लेते देते हैं 250 ml और KMn4 जिसको अपन पोटेशियम पर मैगनेट बोलते हैं। पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है, तो पोटेशियम पर मैगनेट बोलते हैं KMn4 को। तो इसको इसका अपन मात्रा लेते हैं 140 ml यानी 140 ml। इट कैन इरिटेशन, आई इरिटेशन करती है, और रूम एरिया क्लोज करके अपन 12 से 24 घंटे के अंदर इसको क्लोज करके फिर रखते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या क्या आई का इरिटेशन करते हैं, आई में जलन होती है इसके अंदर। तो इस जलन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें सल्फर सल्फर यूज लेते हैं। सल्फर कितना, 220 mg प्लस मिथाइल स्प्रिट। मिथाइल स्प्रिट लेते हैं जो कि रूम एरिया को क्लोज करके 12 से 24 घंटे, और ये आई से प्रिवेंट करता है, आई इरिटेशन नहीं होती है। अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, अब जैसे अभी अभी जैसे फॉर्मेलिन और KMn4 से अभी जैसे मतलब क्लीनिंग हो रखी है, सफाई की है, तो उसमें अपन क्या है कि आंखों में जलन सी पैदा होती है ना, जलन सी होती है आंखों के अंदर। तो उस जलन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, सल्फर प्लस मिथाइल स्प्रिट यूज करते हैं। सल्फर 220 mg, मिथाइल स्प्रिट लेते हैं। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इनसे अपन आई की जो इरिटेशन है ना वो नहीं होगी, साफ की साफ हो जाएगी, आई में इरिटेशन नहीं होगी। तो अपन क्या है, सल्फर 220 और मिथाइल स्प्रिट का कॉम्बो बना के फिर अगर रूम एरिया को क्लोज करके वहाँ पर अगर 12 से 24 घंटे इसको करेंगे ना, मतलब एटलीस्ट 12 से 24 घंटे इसको क्लोज करके रखेंगे ना, तो उसमें क्या है कि वो आई का जो इरिटेशन वो नहीं होगा। और इसमें जो ये है ना KMn4 प्लस सल्फर 100 है ना, फॉर्मेलिन और KMn4, इसके अंदर अपन क्लीन तो हो जाएगा लेकिन आई की इरिटेशन रहेगी, आंखों में जलन सी रहेगी है ना। तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन यहाँ क्या यूज लेते हैं, मिथाइल स्प्रिट और सल्फर पाउडर लेते हैं। सल्फर नहीं लिखा है सही, लेकिन सल्फर 220 और मिथाइल स्प्रिट यूज करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट इसके अंदर अपन देखते हैं हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मतलब गर्म हवाएं, ओवन होता है ना जिसमें अपन गर्म करते हैं उसको, तो उसमें क्या मैकेनिज्म रहती है हॉट एयर ओवन की। तो हॉट एयर ओवन की बात करें तो इसके अंदर टेम्परेचर रहता है 160 डिग्री, 160 डिग्री टेम्परेचर, और टाइम कितना रहता है तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे तक अपन 160 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उसको हॉट एयर ओवन के अंदर अपन इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इंडिकेशन क्या है, किन किन चीज़ों में अपन यूज करते हैं, तो पहला है ऑल शॉर्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितने भी धारदार इंस्ट्रूमेंट है ना वो रखते हैं। एग्जाम्पल जिसमें लंबर पिक्चर की नीडल, LP लिखा है मैंने, लंबर पिक्चर आई, और ग्लास आइटम यूज में लेते हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री, वैक्सीन स्टरलाइन यानी वैक्सीन इंडस्ट्री है ना उसके अंदर ही हॉट एयर ओवन का यूज मोस्टली करते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर 160 डिग्री टेम्परेचर और 60 मिनट तक हॉट एयर ओवन का मतलब यूज करते हैं। अब मोस्ट ऑफन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉट एयर ओवन के अंदर कितना टेम्परेचर होता है और कितने मिनट रखा जाता है, तो अपन मोस्ट कॉमनली अगर अपन को पढ़ा हुआ है लेक्चर में पॉइंट देखे हुए हैं तो अपन 160 डिग्री टेम्परेचर पे और 60 मिनट पे अपन क्लिक कर देंगे या उसमें गोले में भर देंगे। लेकिन अगर अपन को पता ही नहीं है तो अपन क्या बनेंगे उसके अंदर, तो हॉट एयर ओवन के अंदर 160 डिग्री टेम्परेचर 60 मिनट तक लेंगे, है ना, हॉट एयर ओवन, ये प्रोसीजर है। बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसका नाम है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव क्या है कि हॉस्पिटल में देखा है, ऐसी ऐसी मशीन से देखी होगी, सही, हॉस्पिटल में अपन ने ऐसी मशीन से देखी होगी, इसको बोलते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन, ऑटोक्लेव करते हैं इसके अंदर, है ना, तो ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव में, ऑटोक्लेव की बात करें टेम्परेचर 121 डिग्री, 121 डिग्री टेम्परेचर, और टाइम क्या रखता है, टाइम रहता है 20 से 30 मिनट, 20 से 30 मिनट इसके अंदर अपन यूज करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, 20 से 30 मिनट यूज टाइम लेते हैं, और 121 डिग्री टेम्परेचर। और प्रेशर की बात करें तो 15 पाउंड इंच स्क्वायर, अब 15 750 ग्राम होता है ना, तो 15 पाउंड इंच स्क्वायर, इंच का स्क्वायर करके 15 पाउंड है ना, इसके अंदर अपन प्रेशर क्रिएट करते हैं। टाइम होता है 20 से 30 मिनट और टेम्परेचर रहता है 121 डिग्री टेम्परेचर, तो इसके अंदर अपन ऑटोक्लेविंग करते हैं। अब ये तो हो गया टाइम टाइम की टेम्परेचर की, लेकिन करते किस चीज़ को इसके अंदर, तो यूजेज इसके अंदर है स्टराइल ऑल आर्टिकल, इसमें सारे आर्टिकल यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट रबर इंस्ट्रूमेंट, रबर का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो कभी यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, है ना। ऑटोक्लेव के अंदर अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसके अंदर एक्सेप्ट रबर के जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो कभी इसके अंदर यूज नहीं करते, बाकी सारे सारे जो ऑल स्टराइल ना ऑल स्टराइल ऑल आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट रबर के इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। टेम्परेचर में ऑटोक्लेव का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में आ गया ऑटोक्लेव मशीन के अंदर टेम्परेचर कितना रखते हैं, कितना मिनट रहता है और क्या प्रेशर रहता है, तो 121 डिग्री टेम्परेचर, 20 से 30 मिनट, और प्रेशर की बात करें तो 15 पाउंड इंच स्क्वायर इसके अंदर प्रेशर रखते हैं इस मशीन के अंदर, ठीक है, इस मशीन के अंदर। अब बात करते हैं ईटीओ मशीन। अब ईटीओ मशीन होती है, इसके अंदर अपन 6 मंथ 6 महीने तक दैट ड्यूरेशन 7 डेज 7 डेज तक अपन इसको मतलब स्टराइल रख सकते हैं ईटीओ मशीन के अंदर। बात करते हैं इसके अंदर अपन रेडिएशन की, जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ मेथड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन स्टरलाइजेशन होती है थ्रो रे, रे गामा रेज होता है, यूवी रे होता है, गामा रेज हो गया है ना, ये रेज यूज लेते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इंडस्ट्री के अंदर रेडिएशन स्टरलाइजेशन मोस्ट कॉमनली होता है, इंडस्ट्री मेथड के अंदर रेडिएशन जो स्टरलाइजेशन है वो मोस्ट कॉमनली होता है। यूजेज की बात करें किस किस किन किन चीज़ों के अंदर अपन रेडिएशन स्टरलाइजेशन के यूज करके उसको स्टराइल करते हैं, तो फर्स्ट अपन आया कैथेटर, कैथेटर हॉस्पिटल में देखा होगा कैथेटर, हाइपोडर्मिक नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल है या सर्जिकल ब्लेड है या डिस्कोवेन, इन चीज़ों को अपन मोस्ट कॉमनली रेडिएशन स्टरलाइजेशन हम उसके थ्रू अपन स्टेराइल करते हैं, और मोस्टली इंडस्ट्रियल की यूज लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उत्पादन और उत्पादन होता है, जहाँ पे वहीं पे रेडिएशन स्टरलाइजेशन इसका यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर मोस्ट हीट, जो हीट टेम्परेचर है मोइस्ट हीट, मोस्ट नहीं है मोइस्ट है, तो मोइस्ट हीट की बात करें तो पहला जो इसके अंदर मोइस्ट हीट के अंदर आता है ना वो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन अपने पढ़ा होगा कि दूध को गर्म करते हैं फिर अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, फिर वो दूध अरे 2-3 दिनों तक अपन उसको सेफली रख सकते हैं, तो वो ये क्या है, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस है जिसके अंदर लेस देन 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 से लेस रखते हैं टेम्परेचर पास्चुराइजेशन के अंदर, तो कितना टेम्परेचर रखते हैं पास्चुराइजेशन के अंदर, एग्जाम में आता भी है, तो 63 डिग्री टेम्परेचर, 63 डिग्री टेम्परेचर 30 मिनट रखते हैं आधे घंटे, और मिल्क का पास्चुराइजेशन करते हैं अपन, तो मोस्ट कॉमनली ये पास्चुराइजेशन के अंदर 63 डिग्री टेम्परेचर और 30 मिनट तक रखते हैं, 100 से लेस रखते हैं इसके अंदर। सेकंड इसके अंदर पॉइंट आता है वो है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन के अंदर टेम्परेचर रखते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर और 30 मिनट और सक्सेसिव डेज का मतलब क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेलिन फॉर्मेशन, स्पोर होते हैं ना, स्पोर बनते हैं जर्म और फिर स्पोर जो पौधों के अंदर, तो उस कंडीशन में अपन टिंडलाइजेशन करते हैं। एग्जाम में ये इमेज में दिखा भी रखा है,
ये जो प्रोसेस है, ये एग्जाम इमेज दिखा रखी है वो है मोस्ट पास्टुराइजेशन की, है ना, पास्टुराइजेशन की। और ये इमेज दिखा रही है वो टेंडरलाइजेशन की। तो टेंडरलाइजेशन में अपन 100 डिग्री टेम्परेचर 23 मिनट रखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की एग्जाम्पल है। और अगर बात करें पास्टुराइजेशन की, इसके अंदर मिल्क पास्टुराइजेशन करते हैं, 100 डिग्री से लेस लगते हैं, कितना रखते हैं, 63 डिग्री टेम्परेचर 30 मिनट रखते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस थी, ठीक है। तो इसी के अंदर अपन क्या है कि ऑटोक्लेविंग आता है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में फर्स्ट अपन अपन देखते हैं वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर देखा है, टेम्परेचर मापने के लिए काम आता है ना, क्लिनिकल, रेक्टल, एनल, जितना भी है ना, क्लास, बहुत प्रकार के थर्मामीटर होते हैं ना। तो इसके अंदर अपन केमिकल मेथड की बात करें तो थर्मामीटर के अंदर तो क्लीन करते हैं 1:20 में, 1:20 में। चिटल फोरसेप है वो क्लीन करते हैं 1:100 में, 100 डिग्री में। और स्किन प्रिपरेशन होते हैं वो करते हैं इसके अंदर 1 डिग्री, है ना। इसके अंदर हाइड्रोजन परोक्साइड आई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपन केमिकल मेथड में, थर्मोमीटर का यूज लिया ना एक केमिकल मेथड। सेकंड इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर H2O2 है जिसको अपन हाइड्रोजन परोक्साइड बोलते हैं, है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी में होता है ना। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन क्या करते हैं, माउथ वॉश। फर्स्ट अपन इसके अंदर माउथ वॉश, सेकेंड है स्किन वुंड क्लीन, थर्ड है ब्लड स्ट्रीम, है ना, रिमूव फ्रॉम क्लॉथ, है ना। इन कंडीशन में अपन क्या है कि H2O2 का मोस्टली प्रयोग करते हैं एक, ठीक है। अब मान लो इसमें मोस्ट अपन है, इफ पेशेंट HIV एंड ब्लड स्टेन रिमूव 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। HIV पेशेंट है, अब मोस्ट कॉमनली अपन गौर पता किया नहीं, जांच करवाई नहीं, और अपन ने उसका सैंपल लेते टाइम उसका स्टेन है ना ब्लड का, वो हाथों पर टच हो गया, तो अपन क्या करेंगे फर्स्ट अपन, तो पर्सन बहुत बार डर जाते हैं। इस कंडीशन में डरना नहीं, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है HOCl। तो उस कंडीशन में अपन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना उस हैंड वॉश करो, है ना। उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सोडियम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना उसका यूज लेंगे। तो उससे अपन क्या है कि ये HIV की जो ब्लड स्टेन है ना उसको अपन आराम से रिमूव कर सकते हैं 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। एग्जाम में पूछ ले जाते हैं HIV पेशेंट का सैंपल ले रहे हो, और मतलब रोंगली प्रोसीजर के थ्रू अपन क्या है कि ब्लड का स्टेन लग गया हाथों में, है ना। उस प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे, तो फर्स्ट अपन अपन का यही रोल है कि 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज लेंगे, उससे अपन उस रिमूव को उस स्टेन को रिमूव कर सकते हैं, है ना। माउथ वॉश में H2O2 यू, स्किन वुंड क्लीन में और ब्लड स्टेन रिमूव, इन कंडीशन में सारों में ना H2O2 का यूज ले सकते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर अपन KMn4 की, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। यूज क्या है इसका, पहला है माउथ वॉश में पोटेशियम, पहला माउथ वॉश में 1:5000 में यूज लेते हैं, है ना। ML के अंदर ये ले लेते हैं KMn4 और बाकी इसके अंदर पानी वाटर में मिक्स करते हैं। स्किन साइट में प्रिपरेशन में 1:5000, कॉलन इरीगेशन में, इरीगेशन का मतलब क्या है उसकी सफाई, कॉलन की सफाई में 1:5000, आफ्टर डिजीज शीट्स बात होती है, शीट्स बात कराते हैं उस कंडीशन में भी अपन 1:5000 में लेते हैं। पेरिनील के एरिया, पेरिनील केयर करते हैं एरिया की, उसके अंदर 1:5000। ब्लेडर इरीगेशन, ये ब्लेडर को धोते हैं साफ करते हैं, उसके अंदर 1:5 10000 के अंदर देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ब्लेडर का इरीगेशन करते हैं उसमें 1:5 10000 है, बाकी 1:5 5000 में इसकी रहेगी, ठीक है। बात करते हैं बिटाडीन की, जिसको अपन आइडोपोविडीन बोलते हैं या आइडोपोविडीन, ठीक है, आइडोपोविडीन बोलते हैं मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में देखते हैं H2O2 बिटाडीन, ये मतलब ये सारे सॉल्यूशन पड़े होते हैं, है ना। मोस्ट कॉमनली बात करें तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है ये, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत यूज आता है, मोस्ट कॉमनली यूज आता है ना। तो इसके अंदर अपन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं माउथ वॉश की, गार्गिल करते हैं, कुल्ले करते हैं, उसमें 2.5% इसके अंदर अपन यूज लेते हैं बिटाडीन, पर रॉन्गली लिखा गया ये बिटाडीन होता है, ठीक है। बात करते हैं वुंड क्लीन की, यानी घाव को साफ करने के लिए स्किन प्रिपरेशन, इसमें 5% बिटाडीन यूज लेते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग, यानी सर्जिकल अपन हैंड वॉशिंग करते हैं, उसके अंदर 10% बिटाडीन यूज लेते हैं। बात करते हैं यूसोल, मोस्ट कॉमनली अपन को पता नहीं होता यूसोल क्या होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सलगी सो पस हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, जिसके अंदर सुडोमोनास टाइप के बैक्टीरिया हो, है ना, तो उस कंडीशन में अपन एक यूसोल का कॉम्बो बनाते हैं। यूसोल है ना, डीप घाव हो, सलगी सो पस हो, है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है यूसोल क्या होता है, ये यूसोल की कंपोजिशन क्या है। तो अपन मोस्ट कॉमनली देखते हैं यूसोल क्या है, तो यूसोल के अंदर 12.5 ग्राम बोरिक एसिड होती है, 12.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर होता है, और 100 ml वाटर के अंदर अपन आप कॉम्बो बनाते हैं इसका यूसोल का। और यूज किस में लेते हैं, वुंड इन वेरी सलगी
पस यानी बदबूदार पस आ रहा है, वेरी सल्गी है ना, ग्राम नेगेटिव है, सुडोमोनास टाइप का है, तो उस कंडीशन में अपन यूसोल का यूज लेते हैं, यूसोल का कॉम्बो बनाते हैं। ठीक है, यूसोल है। अब बात करते हैं अपन जो सिक्स वीडियो जिसके अंदर अपन ग्लूटर एल्डिहाइड है जिसका अपन यूज लेते हैं, क्या है, एंडोस्कोपी, सेट क्लीन आल इंस्ट्रूमेंट यूज ले सकते हैं, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी है ना, उसके अंदर अपन इसको यूज लेते हैं ग्लूटर एल्डिहाइड का। इंस्ट्रूमेंट सोक इन साइडेक्स बिफोर 30 मिनट, 30 मिनट इसको यूज लेते हैं। ठीक है, थर्टी मिनट। अब बात करते हैं लाइजोल की, है ना, ये 2% ग्लूटर एल्डिहाइड है जिसका एंडोस्कोपी क्लीन में इंस्ट्रूमेंट में सारा मिल लेते हैं। सेवन है इसके अंदर लाइजोल जिसको कार्बिनोल भी बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं, इसका मोपिंग फ्लोर में 1:100 सो के रेशियो के अंदर रखते हैं। फिनोल की बात करें, वही मोपिंग फ्लोर में 1:100 सो के रेशियो के अंदर अपन इसका लाइजोल का या फिनोल का यूज लेते हैं मोस्ट कॉमनली। बात करते हैं स्पिरिट की, इट इज ए क्विक सोल्यूशन, केमिकल टू यूज लिक्विड सोल्यूशन, और 70% एल्कोहल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, 100% 70% एल्कोहल, 70 से 100% से भी 100% तक भी होता है इसके अंदर, जिसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं ना। तो इस कंडीशन में स्पिरिट एक क्विक सॉल्यूशन है, केमिकल यूज लिक्विड सॉल्यूशन है, 70% एल्कोहल प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लीन करते हैं स्किन साइट क्लीन करते हैं बिफोर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मेडिकेशन अपन क्या है, जैसे कैनुलेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उस एरिया को अपन क्या है स्पिरिट से क्लीन करेंगे, है ना, ताकि वो एरिया एकदम क्लीन क्लीन भी दिखे, अपन क्लीन एकदम साफ हो जाए, आराम से दिख जाए उसमें वेन वगैरह ना। तो उस कंडीशन में अपन क्या है सर्जिकल स्प्रिट का यूज लेते हैं। बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट की जिसका नाम है डिटोल, है ना, थर्मामीटर क्लीन के लिए 1:40 के अंदर रेशियो के अंदर अपन डिटोल का यूज लेते हैं, है ना, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है भी। तो आज के लेक्चर में अपन ने जाना कि भाई क्विक रिव्यू बता देता हूँ मैं इसका क्या क्या है, अपन ज़्यादा मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन क्या है, फिजिकल मेथड कौन से हैं, केमिकल है, स्टेलाइजेशन कौन, गैस स्टेलाइजेशन कौन सा है, ओट एयर ओवन क्या है, ऑटोक्लेव क्या है, रेडिएशन क्या है, सारा कुछ इसमें जाना, फिजिकल में क्या 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 जाना, अपन बॉइलिंग जाना, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसके, फिर अल्ट्रा वायलेट जाना, फिर गैस स्टेलाइजेशन में अपन जैसे इथाइलिन ऑक्साइड है, फॉर्मेलिन है, सल्फर है, आई गए इरीटेशन किस प्रकार बचाना अपन को ना, वो है ना, उसके बाद हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर कितना रखना है, कितना मिनट रखना है ना, फिर ऑटोक्लेव देखा अपन ने, रेडिएशन देखा, उसके बाद मॉइस्ट में पास्टराइजेशन, टेंडरलाइजेशन, थर्ड इसमें ऑटोक्लेव था, तो ऑटोक्लेव सर अपन पहले पढ़ लिया, केमिकल मेथड में जिसमें ये थर्मामीटर यूज करने के लिए ना, ये अपन देखा H2O2 क्या है, फिर KMnO4 का देखा, पिटाडिन का देखा, यूसोल का देखा, फिर ग्लूटरेल्डिहाइड, लाइजोल, फिर स्प्रीट, डिटोल, सारा कुछ आज के लेक्चर में देखा। तो लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, नए नए वीडियो बनाने का, नए नए नॉलेज लाने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, थैंक यू।